अब नेक्स्ट जो चीज इसके अंदर दी हुई है वो क्या दी है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्या चीज दी हुई है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये भी ऐसा नहीं कि हमने कभी नहीं पढ़ा हो सर, केमिस्ट्री पूरा चैप्टर ही पढ़ा था ना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के अंदर, जब मैटर वाला चैप्टर पढ़ा था। तो क्या मीनिंग था फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का, आप जरा मुझे रिवाइज कराओ, मैं भूल गया। होया कहीं चले गए? हाँ नहीं सर, बाय बेट करते करते आप भी चले गए कहीं पे। बताओ जल्दी से क्या होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। मैं इसको प्यार से सर फुआ बोलता चेक था। करना, चेक क्या करना, किससे, करना भैया जैसे से पूछा एक या खुद से बताया? सर मम्मा ने बताया। मम्मी को पेपर में ले जाओ। हाँ सर, वो तो टेस्ट ऑनलाइन होते हो तो मम्मी से दिलवाते हुए ना। फिर उसने क्या नहीं पढ़ा हुआ है सर, आपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मतलब एक वो क्या? मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट करते, मतलब अपने चिपक जाते हैं, उन्हें चिपकाते। अच्छा, कोई और चीज़ आता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड? मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, कोई एग्जांपल दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। आप भी 7th क्लास के अगर वीडियो उठा के देखोगे ना, वीडियो भी देखोगे मैटर वाला, एग्जाम्पल भी आप मिल, वो एग्जाम्पल भी आप मिल जाएगा उसमें। बस पता नहीं क्या देखते हो क्या नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन पूछा था बेसिकली। ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रात में सो के उठे, आप रात में थोड़ी सो के उठते हैं, सुबह उठते हैं, सोते, आपने रात में सोने गए, सुबह आपने उठ के देखा कि आपके जो गाल वगैरह वो नीचे गिर गए, आपका जो सर वगैरह है ना वो ऊपर से कहीं नीचे आ गया, चीज़ें आपकी स्किन वगैरह अलग हो गई, क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता, नहीं आपने सर, बोला भी था आपने मेरे से। एग्जाम्पल दिया था। हाँ दिया था, आपको याद भी है, पढ़िए। नहीं पता किस एग्जाम्पल दिया क्यों था, इसी टॉपिक पर मैंने दिया था। तो ऐसा क्यों होता है, जो आपकी चीज़ें जो जैसी हैं वो वैसी फिक्स क्यों रहती हैं? क्या आपके बॉडी के अंदर क्योंकि मैग्नेट लगी हुई है? आप जो मुझसे नहीं मैग्नेट की बात कर रहे हो, मैग्नेट दूसरे अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर मैग्नेट लगी हुई है? नहीं या फेविक्विक, नहीं फेविकॉल, नहीं कोई फेविगम? नहीं तो फिर ये चीज़ें कैसे अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रही हैं? अट्रैक्ट मतलब क्या है, दूसरे को, मतलब ये चीज़ कैसे चिपकी हुई है, मेरा ये जानने का मतलब है। मेरा हमारी बॉडी के अंदर भी तो पार्टिकल्स है ना, हमें पता है ना हमारी बॉडी भी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। हाँ हम भी मैटर ही हैं, हम भी मैटर ही हैं, इंसान भी मैटर है। मैटर मतलब कोई भी चीज़, अभी ऊपर चैप्टर में पढ़ाई था, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हम भी क्या है, मैटर है। तो हम भी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो हमारे मॉलिक्यूल्स अलग क्यों नहीं हो रहे हैं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। क्या फेविकॉल नहीं लगा, फेविक गम नहीं लगा, फेविक कोई नहीं लगा, किसी भी तरह गम नहीं लगा, कोई मैग्नेट में नहीं है, तो चीज़ें कैसे अपने ऊपर फिक्स्ड हैं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। सर, वो पहले से फिक्स रहती है। सर हाँ तो क्यों रहती हूँ वो तो जानना चाहता हूँ मैं। एक काम करना, कभी ट्राई मत करना, बस सुन लो, आप बस सुन के समझ जाओगे। ट्राई मत करना घर पे कभी भी। एक चौक का क्या पीस लेना, एक चौक का पीस लेना, उस पे ना हल्के से, उसको अरे सुन लो पहले, एक बार सुन लो। एक चौक लोगे आप, उसको ना हल्के से बहुत लाइटली हैमर से हिट करना, हैमर से, किड्स और उतने ही प्यार से ना किसी इंसान को हिट करना, रियल में मत करना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें, ठीक है? उस चीज से किसी इंसान को भी हिट करना किसी भी जगह पे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो चौक है ना, चौक के जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग पर अगर इंसान को मारोगे ना उतनी लाइटली, तो इंसान के हाथ पर अलग नहीं होंगे, लाल हो जाएगी जगह, बहुत अलग है, थोड़ा पेन होगा, लेकिन क्या वो चौक की तरह पार्टिकल्स के उसके अलग अलग होंगे इंसान के, नहीं होंगे इंसान के स्किन के? नहीं, क्योंकि वो पहले से फिक्स है तो वही तो मैं जान रहा हूँ, चौक भी तो पहले से फिक्स थी, वो क्यों ब्रेक हो गई, सर। उसके क्यों अगर पार्टिकल्स हम अलग उसको हो गए? तोड़ेंगे अपने आप हाथ से, जब भी वो टूटी जाएगी। अरे तो वही तो जाना चाह रहा हूँ मैं, फेक जो आपकी स्किन भी हाँ है, सर, फेक आपने जो आपकी मैटर चौक भी चैप्टर में है। केमिस्ट्री में पढ़ाया था हाँ बस आपने पढ़ा नहीं था, मैंने तो पढ़ाया था, बस सर, आपने मैं पढ़ा नहीं बताती था, हूँ। आपने बस देखा था, सुना था कि कथा चल रही थी, आपने अटेंड की 1 घंटे की कथा, फिर चले गए आप। तो ये जो भी सब होता है छोड़ो, आप कुछ मत देखो, कुछ याद नहीं आएगा आपको, मैं समझा दूँ। तो ये जितना भी मैंने पूछा ना, इस सब का बस एक ही रीजन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स अच्छा ऑफ एट्रैक्शन, जिसमें ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ नहीं है, प्रीपोजिशन है, ये दो वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स मतलब पावर, फोर्स मतलब क्या, पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ,
पावर ऑफ ऑफ व्हाट व्हाट अट्रैक्ट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एनीथिंग पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एनीथिंग अट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर ये नहीं पता बड़े मीनिंग नहीं पता सर मेरे को तो सर अट्रैक्टिंग मतलब कुछ भी अट्रैक्ट होना हां अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट होना तो मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया आपको नहीं तो फिर मेरे को क्या समझ आएगा अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन मीनिंग बताओ आपको इतना तो मीनिंग पता होगा ना समझा मेरे को कैसे समझाओगे देखना जो भी आप बेवकूफी करो ना मैं यूट्यूब पर डालूंगा ये वीडियो आपकी बेवकूफी फिर सभी लोग देखेंगे थोड़ा सीरियसली थोड़ा दिमाग से आंसर देना सी यूट्यूब पे मत डालना गूगल पे डाल देना नहीं नहीं अब ये गूगल ये यूट्यूब पर ही जाएगी नहीं सर जितनी भी हरकतें कर रहे हो सब जाएंगे ये भी जाएंगे जब नहीं नहीं बोल रहे हो तो जल्दी सीधा सीधा आंसर दो उसका अच्छे से क्या होता है अट्रैक्ट का मतलब कुछ भी अट्रैक्ट करना हाँ कुछ भी अट्रैक्ट करना मैं बोलूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि किसी भी चीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना सर कुछ भी अट्रैक्ट करना जैसे अट्रैक्ट का मतलब क्या बोलता हूँ जानता हूँ अट्रैक्ट का मतलब क्या सर मॉलिक्यूल के मैटर अट्रैक्ट होना छोड़ो टाइम वेस्ट कराओगे आप पर कुछ नहीं है वर्ड मीनिंग भी लिखवाता हूँ आप पढ़ते नहीं है ना इसका हिंदी में मीनिंग लिखवाता हूँ अट्रैक्ट मतलब क्या होता है खींचना अपनी तरफ पुल करना खींचना ड्रॉ करना हाँ सर यही था ये क्या बन गया से तो किसी वर्ड का मुंह बन गया था खींचना चीजों को अपनी तरफ खींचना अपनी तरफ पुल करना अपनी तरफ क्या करना पुल करना बेसिक इसका जो वर्ड होता है पुल भी नहीं होता ड्रॉ होता है इसको क्या बोलते हैं ड्रॉ तो जैसे हवा अपने आप आती है और वो साइक्लोन अपने आप आना अलग उसी लगाती होता है और अपने आप को खींचना अलग है। होती है तो अट्रैक्ट मतलब क्या है कि हर पार्टिकल्स ना पार्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया भी था केमिस्ट्री में पार्टिकल्स जो बनता है ना कोई मैटर बनता है फिर मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ये तो यहाँ पे कोई भी मैटर बनता है कोई भी मैटर सपोज करो कोई भी मैटर बना ये बहुत सारे क्या बनता है पार्टिकल से मिलके बना होता है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है ठीक है होता तो जितने भी जो मॉलिक्यूल्स है ना बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं एटम्स आ रहे हैं एटम्स मिल मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ठीक है तो ये सब पता है क्या करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं अपनी तरफ क्या करते हैं खींचते हैं कि मेरे से दूर मत जा मेरे पास अपने पास खींचते हैं क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं इसी खींचने को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी चीज को क्या बोलते हैं और ये हम खुद कहते नहीं ये इनके अंदर नेचुरली इनहेरेंट तो फीचर है हमारे किसी मॉलिक्यूल के अंदर इनहेरेंट फीचर है खींचते हैं अपने को अपनी तरफ खींचते हैं अपनी तरफ क्या करते हैं खींचते हैं आपकी बॉडी के अंदर कोई गम नहीं लगा हुआ लेकिन आपकी बॉडी जिस जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक क्वालिटी है हाँ इनहेरेंटली क्वालिटी है अंदर से नेचुरल क्वालिटी है कि वो एक दूसरे को ना खींचे रखते हैं वो कभी अलग ही नहीं होने देते हैं वो अपनी तरफ एक दूसरे हाँ को खींचे रहते हैं वो अलग होने ही नहीं देते समझ आया हाँ तो ये जो पावर होती है ना खींचने की उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो पावर होती है ना एक दूसरे की तरफ खींचने की उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया हाँ सर खींचना अब एक चीज बताओ मेरे को कोई चीज है सपोज करो दो एक लिक्विड है एक लिक्विड है एक मैटर है लिक्विड हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना है ना एक मैटर है आपका लिक्विड और एक मैटर है आपका सॉलिड एक क्या है आपका सॉलिड ठीक है एक मैटर है आपका लिक्विड एक मैटर है आपका सॉलिड अब मैं बोलूं कि जो लिक्विड होता है ना लिक्विड तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है सर कहाँ लिखा है कम होता है नहीं कहीं नहीं लिखा मैं खुद बोला अपने मन से मैं खुद बोला अपने मन से और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है तो अब मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूँ
पूछ रहा हूँ सर, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होंगे, दूर दूर होंगे। समझ आया नहीं आया? तो सॉलिड लेस होती है। अरे छोड़ो, लेस ज्यादा कम को छोड़ो, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आंसर दो, बुक वगैरह को छोड़ दो। मैंने आपसे बस ये पूछा कि मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, केस दे रहा हूँ मैं, कि अगर मैं ये बोलूँ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इन दैट केस, ऐसे केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के पास पास होंगे, एक दूसरे के दूर दूर होंगे एक दूसरे से। इतना डिफिकल्ट मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, जो अपना टाइम ले रहे हो। बड़ा आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया नहीं आया? क्या था मीनिंग? अट्रैक्ट करना, मतलब अट्रैक्ट, मतलब कोई भी चीज अट्रैक्ट करना, जैसे ओ अट्रैक्ट का मतलब क्या मैग्नेट, लिखा है अभी मैंने? पुल ड्रॉ खींचना, और क्या मीनिंग बताता है हिंदी में भी? हाँ, तो कोई चीज अगर आपस में एक दूसरे खींच रही है, कोई चीज अगर आपस में एक दूसरे को खींच रही है, तो वो पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे, पास आएंगे, जैसे हमने एक तो स्केपिंग ये तो रोप मैंने आपसे पूछा खींची। है, इसमें भी इतना अच्छा टाइम लगा रहे हो। या अगर किसी चीज के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, यानी कोई दूसरे खींचने की ताकत उनके अंदर ज्यादा है, अगर खींचने की ताकत ज्यादा है तो पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे। पास, इसमें क्या सोचना था? और किसी के भी पावर है ही नहीं सर, किसी के तो पावर है ही नहीं, वो खींच नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो वो दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे? वो खींच ही नहीं पा रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा सिंपल था। अट्रैक्शन क्या, दूर। जब नहीं समझ रहा तो हिंदी का वर्ड यूज कर लो। जब उनके तो खींचने की पावर ही नहीं है, तो वो अपने पास बुला पाएंगे, नहीं बुला पाएंगे, नहीं बुला पाएंगे। तो एक चीज बनती है, क्या टॉपिक बनता है, कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज बोलूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी अगर रिलेशनशिप में बताऊँ, क्लोजली पैगनेस के अंदर, क्लोजली पैगनेस के साथ, क्लोजली पैगनेस के साथ, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज लिखवा दूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो चीजें क्या होंगी एक दूसरे के क्लोज, चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, क्लोज, आया ना? हाँ सर, हाँ, ऐसे नहीं बोलना है, समझ में आया तभी बोलना है, पक्का समझ में आ गया ना? अच्छा फिर बताना मुझे, अगर किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ये है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, लूजली अरे सुन तो लो, यहाँ पे है कम, यहाँ पे है कम, कम तो सब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे या लूजली पैक्ड होंगे? लूजली। पक्का? हाँ पक्का, सर बहुत कम है, सर बहुत कम है, बहुत कम, अब तो वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूजली, है ही नहीं, बेचारे ने खाना पीना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, वेरी बहुत कम है, लूजली। बहुत, ठीक है, वेरी लूजली ना, ठीक है, यहाँ पे है ना वेरी लो, है ना, बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोलते वेरी लूजली, वेरी लूजली, ठीक है, आपको और लगाना, थोड़ा दिमाग आपको और लगाना है, अब देखते हैं तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे देखना, देखना आप कितना समझे हो कितना नहीं। ये सेकंड आपसे, ये सेकंड आपसे, और नहीं बताऊंगी। आप ही को बताना है। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? ठीक है, देखते हैं सबको सर, फैल, पार्टिकल्स के बीच में ना, पार्टिकल्स ना क्लोजली पैक्ड नहीं, बहुत लूजली पैक्ड है, बहुत नहीं, मतलब
लूजली पैक्ड है, ज्यादा लूजली नहीं है लेकिन लूजली पैक्ड है, तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। आंसर क्या सर? क्या हुआ इसका, ये भी मना कर रहा है पढ़ने से। मैंने पूछा कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में हाँ ना मतलब वो लूजली पैक्ड है, वो क्या है लूजली पैक्ड है, तो लूजली पैक्ड है तो उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा या ज्यादा होगा? से मैंने उल्टा बोल दिया। अरे मुझे नहीं पता, द्वार से बोलो। अब मैं द्वार से पूछता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन वगैरह ध्यान से। ठीक अगर कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं ठीक है, कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है, फिर मैं इसका क्लास ऑफ करने वाला हूँ बता। कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, वो क्या है लूजली पैक्ड हैं, यानी लूजली पैक्ड हैं, तो लूजली पैक्ड है तो ऐसे केस में उनके बीच में जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? कम चीजें लूज कब होती हैं, जब उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है या कम होता है? से लूज जब होती हैं जब ज्यादा होते हैं। फिर उल्टा क्यों बोल रही हो, या तो हाँ प्रश्न को से मैंने समझते नहीं उल्टा है, आपका बोला। ध्यान ही कहीं और रहता है। और सब बहुत ज्यादा लूज है तो बहुत ज्यादा स्पेस होगा। हाँ